सजी सजाई भैया राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। ओम शांति। संसार के अंदर जो भी महान आत्माएं महान कार्य करके जाती हैं, या फिर जो भी महान कर्मों के साथ साथ जो भी रस्में उनके समय पर समय प्रति समय होती चली आती है, तो परंपरा से चली आने वाली कई रस्में जिनके पीछे या तो कोई ना कोई धार्मिक इतिहास होता है, या फिर कोई ना कोई सामाजिक इतिहास होता है, या फिर कोई ना कोई विशेष क्रांति का इतिहास होता है, या फिर कोई ना कोई विशेष परिवर्तन का इतिहास होता है, आदि आदि ऐसे कई प्रकार से इतिहास होते हैं, जिन इतिहासों की कहानियों को लेकर के, और वो कहानियां जो कि कुछ प्रैक्टिकल में होके गई, तो उन कहानियों को लेकर के और उसके जो दिन मनाए जाते हैं वो फिर एक उत्सव के रूप में या त्योहार के रूप में आज तक मनाए जा रहे हैं, और उसमें से है एक राखी का त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार। और ये राखी का त्योहार जब जब आता है तब तब हरेक भाई अपनी बहन को और हरेक बहन अपने भाई को, फिर वो उसका सगा भाई क्यों ना हो या उसका माना हुआ भाई क्यों ना हो, या फिर किसी भी परिस्थिति में किसी को भी भाई समान उसने अपने जीवन के अंदर किसी को पाया हो, तो वो भाई और बहन एक दो को अवश्य याद करते हैं, और एक दो को याद करते हुए स्नेह में गदगदित रहते हैं। परंतु ये जो रक्षाबंधन और राखी का त्योहार मनाया जाता है, जो भी उसे मनाते हैं क्या वो ये जानते हैं कि ये रक्षाबंधन या राखी का त्योहार क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे कौन सा आध्यात्मिक अविनाशी रहस्य है जो कि आज तक प्रत्येक मनुष्य आत्मा, चाहे वो नर के रूप में हो चाहे नारी के रूप में हो, उसे परंपरागत मनाते चले ही आ रहे हैं। परंपरागत इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का इतिहास हो, उसमें जो घटनाएं घटी उन घटनाओं के अंदर भाई और बहन का क्या विशेष संबंध है और उस संबंध की क्या विशेषताएं हैं और उस संबंध के साथ कौन सी विशेष घटनाएं घटी हुई है और किस प्रकार इस संबंध से बहन भाई की रक्षा करती है या भाई बहन की रक्षा करता है, बहन राखी बांध के रक्षा करती, भाई उसको रक्षाबंधन पर
यह रक्षा तब बांधता कि मन ही मन वो बहन की रक्षा करने का प्रण लेता। इस प्रकार दोनों ही स्नेह के और राखी के सूत्र में बंध कर एक दो की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं और उस संकल्प को जहां तक हो सके उसे पूर्ण करने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि वर्तमान समय तो न समय पर भाई बहन के पास पहुंच सकता है, ना बहन भाई के पास पहुंच सकती है। कई परिस्थितियां ऐसी निर्माण होती, कई ऐसी परीक्षाएं जीवन के अंदर आती, कई ऐसे जीवन जीते जीते ऐसे प्रतिकूल संजोग आते और कई ऐसी विघ्नों की बातें आती जब बहन को भाई की आवश्यकता पड़ती और भाई को बहन की जरूरत पड़ती। परंतु दोनों के निवास अति दूर होने की वजह से या फिर कोई भी व्यक्तिगत समस्या या पारिवारिक समस्या या सामाजिक समस्या या आर्थिक समस्या या कोई भी ऐसी समस्या या फिर उसके अपने शारीरिक कर्म भोगना की समस्या, तो इन सभी समस्याओं में यदि उन सभी समस्याओं में से किसी भी एक समस्या से या भाई मजबूर है उसको मिटाकर बहन तक पहुंचे या बहन मजबूर है कि भाई तक पहुंचे, तो फिर दोनों ही उस दिन विशेष रूप से एक दो को मन ही मन याद करते या फिर पोस्ट से राखी भेजते या किसी के द्वारा राखी भेज देते या फिर आशीर्वाद लेते या फिर वर्तमान समय जबकि विज्ञान ने इतनी तरक्की की है तो इस कंप्यूटर के युग में ईमेल से या फेसबुक से या फिर उसके साधनों के द्वारा एक दो को राखी भेजते और अंदर ही अंदर स्वयं को संतुष्ट करते। परंतु राखी के इस त्योहार पर ये जानना अति जरूरी है कि हम जान करके राखी का त्योहार मनाते हैं या फिर हम बिना जाने ही राखी का त्योहार मनाते हैं, क्योंकि बिना जानकारी राखी का त्योहार जब मनाया जाता है तो वो एक रस्म मात्र होती है और वो रस्म मात्र ही मना करके रह जाते हैं। और इसीलिए जब जब दिन आता है तब ही विशेष भाई बहन अपने विशेष संबंध की स्मृति में एक दो को स्नेहपूर्ण विशेष याद करके गदगदित होते हैं। वास्तव में तो भाई बहन का संबंध, माता पिता का संबंध, पति पत्नी का संबंध, दो मित्रों का संबंध या तो कई ऐसे संबंध हैं जिन संबंधों को नाम भी नहीं दे सकते परंतु फिर भी वो गहरे संबंध हैं, आत्मीय संबंध हैं, दिल के संबंध हैं। तो ऐसे संबंध जब होते हैं तो वह तो रोज ही रक्षाबंधन की तरह होते हैं, राखी के त्योहार की तरह ही होते हैं और रोज ही बहन भाई को याद करता, भाई बहन को याद करती, चाहे वो कितनी भी अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त भी होते हैं। तो आज हम राखी के शब्द के ऊपर आते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन की बातें तो हर प्रतिवर्ष हम आपको बताते आए, परंतु राखी शब्द के साथ जो नारियल पूर्णिमा ये जो शब्द वापरा जाता है, यूज किया जाता है या तो उसको उपयोग में लाया जाता है, तो नारियल पूर्णिमा का इस राखी से क्या संबंध है? तो नारियल पूर्णिमा क्यों कहा? पूर्णिमा अर्थात हम सभी जानते हैं कि पूर्णिमा का अर्थ होता है कि जैसे चंद्रमा
अपनी 16 कलाओं से पूर्ण जब आसमान में अपना रूप दिखाता है और अपने रूप से और अपनी मंद मंद परंतु स्पष्ट रोशनी से सभी के मन को हर्षाता है, लुभाता है, आकर्षित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति यदि अपनी गुणों में और विशेषताओं में चंद्रमा के समान प्रतिदिन, प्रति मास या प्रति वर्ष यदि वह अपनी गुणों के अंदर, विशेषताओं के अंदर खिलते जाते हैं या अपनी कलाओं को बढ़ाते चले जाते हैं या उसके प्रतिशत, परसेंटेज उनकी बढ़ती चली जाती है और बढ़ते 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 वह एक ऐसे मुकाम पर पहुंचता है जिस मुकाम पर वह पहुंचना चाहता था, या वह व्यक्ति उस लक्ष्य तक पहुंचती है जिस लक्ष्य पर पहुंचने का उसने जीवन के अंदर निश्चित किया था, और जब वो निश्चित अपनी उस रेखा को छूता है अर्थात उसमें सर्व गुण जो उसने लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य के अनुरूप गुण अर्थात लक्षण अर्थात वो अपने अंदर उन सभी विशेषताओं को धारण करता है और उस धारणा से, उन गुणों से, उन विशेषताओं से, उन आकर्षणों से जब सभी को लुभाने लगता है, सभी के मन को हर्षाता है, सभी को वह आकर्षित करता है और सभी के लिए वह एक ऐसा आदर्श बनता है, जैसे आज हम भी कह रहे हैं कि चंद्रमा की तरह जिनकी कलाएं पूर्ण रूप से 16 कला होती है वह व्यक्ति जीवन के अंदर आदर्श होता है, महान होता है और वह अपने जीवन के अंदर अपना परिवर्तन करते हुए अनेकों का परिवर्तन करने के लिए समर्थ होता है। तो चंद्रमा की 16 कलाओं से संपूर्ण, जैसे पूर्ण रूप का चंद्रमा आसमान में देखने को अच्छा लगता है और उसमें भी यदि सितारे भी साथ साथ अपनी रोशनी को लेकर के टिमटिमाते हैं तो उस आसमान का नजारा ही कुछ और ही बनता है। तो मनुष्य जीवन के अंदर इस पूर्णिमा को आदर्श रूप में रखते हुए अर्थात पूर्णिमा के चंद्र को आदर्श के रूप में रखते हुए अपने जीवन के अंदर प्रत्येक गुण को, प्रत्येक विशेषताओं को और प्रत्येक जीवन की, आदर्श की, आकर्षण की जो धारणाएं हैं उनको करते हुए जीवन के अंदर पूर्णता को प्राप्त करना है, जीवन को भरपूर बनाना है, जीवन को संपन्न करना है। जीवन को भरपूर करना माना जो भी उसकी छोटी बड़ी इच्छाएं जब से जीवन का लक्ष्य पकड़ा तब से लेकर के जो भी मन में उठती आई उन सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का उसका जो ख्वाब था, उसका जो स्वप्न था, वो स्वप्न जब पूरा होता है न सिर्फ उसका अपना स्वप्न पूरा होता है लेकिन उस स्वप्न के साथ साथ उससे जुड़ी हुई जितनी भी व्यक्तियां हैं उन सभी व्यक्तियों के भी स्वप्न पूरे होते हैं अर्थात उनकी भी इच्छाएं, आशाएं, मुरादें सब पूरा होता है। तब कहते हैं कि यह तो चंद्रमा की तरह भरपूर है, संपूर्ण है और पूर्ण है। जैसे कोई राजा का राज्य या राजा स्वयं धन धान्य से, संपत्ति से, प्रजा धन से या जो भी राज्य है राज्य की सीमाओं से
एकदम परिपूर्ण और भरपूर होता है, ऐसे वह व्यक्ति भी जब भरपूर होता है अपनी जीवन की हर आवश्यकताओं के साथ, अपने जीवन के हर शौक के साथ, और हर जीवन के अंदर जो भी उपलब्धियां उसे पानी चाहिए थी या प्राप्त करनी चाहिए थी, वो प्राप्त करता जाता है और प्राप्त करके छोड़ता है। तो जब ऐसे भरपूर बनता है तो कहा जाता है ये चांद की तरह पूर्ण है। साथ में आता है शब्द नारियल। अब नारियल का और पूर्णिमा का आपस में क्या संबंध? तो नारियल को कहते हैं श्री फल। श्री अर्थात श्रेष्ठ, और फल माना तो हम जानते हैं, हम कर्म करते हैं, हमको कर्म की जो रिजल्ट मिलती है, कर्म का जो परिणाम हमारे सामने आता है, हम उसे फल कहते हैं। और फल खाने का पदार्थ भी है। तो श्री फल उन खाने के जो भी पदार्थ रूप फल के रूप में पदार्थ हैं, उन सभी में उसको श्रेष्ठ माना गया है, उसको पवित्र माना गया है, और इसीलिए उसको प्रत्येक मांगलिक कार्य में उसको रखा जाता है। प्रथम उसकी भी पूजा की जाती है और उसी उसकी पूजा के पश्चात कहाँ कहाँ उसकी पूजा के साथ उसको पूजन विधि पूर्वक करके और उसी ही नारियल को फिर फोड़ दिया भी जाता है। और फोड़ने के पश्चात जो भी उस फल के अंदर से यानी जो नारियल निकलता है वो सभी को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। और उसके अंदर के जल के छींटे जिस भी वातावरण के बीच में बैठे हैं, चाहे वो घर हो, चाहे दुकान हो, चाहे बंगला हो, चाहे वाड़ी हो, चाहे जो भी उनका स्थान हो, उस स्थान पर उसके छींटे उड़ा दिए जाते हैं। कारण क्या? इस फल को इतना महत्व देने का कारण क्या? तो आप देखेंगे कि नारियल का जो फल है वो बड़ा ऊपर से उसका कवर जो होता है वो बड़ा सख्त होता है, और इसीलिए उसकी आयु सभी फलों में लंबी है। सभी फल 2, 4, 8, 10, 15 दिन, 20 दिन के बाद खत्म होते हैं, अर्थात वो खराब भी होते हैं, उनकी आयु पूरी होती है और उनका स्वाद बदलता है, रूप बदलता है, रंग बदलता है। लेकिन नारियल जो होता है, जो मांगलिक प्रसंगों में पूजा में यूज किया जाता है, वह फल बाहर से वैसे का वैसा ही रहता है। तो उस फल का बाहर का कवर बहुत आयु को लेकर के है। तो हम ये कह दें कि हम मनुष्य शरीर जो है उनकी आयु लंबी होती है। तो यह जैसे कि एक प्रकार से हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई बात है। अब शरीर के साथ जुड़ी हुई बात है तो उसको फोड़ा जाता है। फोड़ा जाता है माना क्या हमारी मृत्यु? नहीं, लेकिन शरीर के साथ जुटी हुई जो हमारी देह भान की अभिमान की जो वृत्ति है, अर्थात स्वयं को विस्मृति की जो वृत्ति है, हम हैं स्व में आत्मा, मैं हूं आत्मा, चमकता हुआ एक दिव्य सितारा दीपक या एक दिव्य ज्योति बिंदु, लेकिन मैंने स्वयं को क्या समझ लिया है? जो इस देह को नाम मिला है, जो ये देह को रूप मिला है, जो इस देह को इस देह से संबंधित बातें, संबंध संबंधी पदार्थ, वस्तुएं, व्यक्ति, संसार, दुनिया, जो कुछ भी मिला है, हम स्वयं को वह देह समझ करके और इस जगत में चलते हैं, जिसके कारण हमारे कर्मों में जो श्रेष्ठता आनी चाहिए, जैसे फल को सिर्फ फल कह दिया क्योंकि उसने अपना पानी कायम रखा,
अपना नारियल कायम रखा वो श्री फल है। तो हम अपने गुणों को, विशेषताओं को स्व की स्मृति के साथ, यानी स्व की स्मृति को भी हम कायम नहीं रख पाते हैं, और हम देह भान में जब पक्के हो जाते हैं, इतने पक्के कि हम रोज रोज सुनते हैं, रोज रोज हमने जीवन के अंदर कई ऐसे प्रसंगों में कईयों के देह का त्याग देखा है, कईयों के देह के त्याग के समय की उनकी बातें देखी हैं, वैराग्य भी आता है, स्मशानी वैराग्य भी उस समय आ जाता है, और उस समय ये ज्ञान भी सुनते हैं, उस समय उस ज्ञान को सुन करके हम हाँ हाँ भी करते हैं कि बरोबर, हम देह नहीं, हम आत्मा हैं, देह विनाशी है इसीलिए उसको जला देते हैं, आत्मा अविनाशी है, वो अमर है, इसीलिए वो अपने कर्मों को, अपने संस्कारों को साथ ले जाती है आत्मा, और फिर पुनर्जन्म लेकर के उन्हीं दिव्य संस्कारों में या असुरी संस्कारों से उसका पुनर्जन्म होता है, और फिर से यह जन्म जीवन मरण का चक्र उसका चालू रहता है। तो यह जो सबसे बड़े ते बड़ी विस्मृति, वो हमें फोड़नी है, अर्थात देह का भान तोड़ना है, अर्थात हमें इस देह के भान से स्वयं को मारना है, जीते जी मरना है। मरेंगे तो भान टूटेगा, मरे हुए व्यक्ति को कुछ पता नहीं कि वो कितना बड़ा आदमी है, कितना उसका मान है, कितना उसको लोग मानते पूजते, कितना उसका दबदबा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वह तो एक मुर्दे की भांति जड़ होकर के पड़ा है, क्योंकि उसका नाता आत्मा से टूट चुका, आत्मा उसमें से निकल गई, अब उसका उससे कोई लेना देना नहीं, वह सिर्फ जलाने के ही योग्य रह जाता है। वह भी अगर उसमें समय व्यतीत किया तो वो जलाने के योग्य भी नहीं रहता, और वो इतना दुर्गंध युक्त एक ऐसी चीज बन जाता कि हरेक उसको कहेंगे जल्दी यहां से ले जाओ, जल्दी यहां से हटाओ, क्योंकि उसकी दुर्गंध भी सहन नहीं होती। और अंदर का जल, उसके जल को हर जगह पर छीटा जाता है। क्यों छीटा जाता है? जैसे गुलाब जल है, गुलाब जल के छीटे डालने से शीतलता का अनुभव होता है, अगरबत्ती की खुशबू की हवा में वो खुशबू फैलने से मन हमारा एकदम प्रभु को याद करना शुरू करता है, मन प्रफुल्लित होता है। तो इस प्रकार के कई पदार्थ हैं जो मन को प्रफुल्लित करते हैं, परंतु पावन भी करते हैं। तो ये जो छींटे हैं, क्योंकि ये श्री फल के छींटे हैं, श्रेष्ठ फल है, तो श्रेष्ठ फल की प्रसाद यानी छींटे जिसको भी प्राप्त होते हैं, उनसे जुड़ी हुई जो भी व्यक्तियां हैं, उनको मिलने से वह भी आत्माएं उनके गुण विशेषताओं से कुछ ना कुछ उसके रंग में रंग जाती है। फिर उसका नारियल जो अंदर का निकलता है, जिसको प्रेम से प्रसाद के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो वो नारियल सफेद है और ऊपर से थोड़ा सांवला होता है, अर्थात क्या कि हम मनुष्य आत्मा जीवन के अंदर अच्छे कर्म करते तो हम पावन होती हैं, गोरी होती हैं, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हम गोरे से सांवरी बन जाती हैं। और इसीलिए जब हम अपने देह भान को समेटे हुए हैं, परंतु देह भान कब टूटता है? जब उसके ऊपर एक ज्ञान युक्त स्वस्तिक बनाया जाता है, और उस स्वस्तिक के द्वारा स्मृति दिलाई जाती है आत्मा को कि हम इस मनुष्य आत्मा, इस मनुष्य सृष्टि के अंदर सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में हम जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आते आते और आखिर कहाँ जाती है? या तो हम प्रभु के चरण में, या तो फिर हमें फोड़ दिया जाता,
प्रभु के आगे हमें रखा जाता और फिर हमें प्रसाद के रूप में बांटा जाता। अर्थात प्रभु को समर्पित होना, यदि पूरा नारियल प्रभु के आगे रखा तो वो समर्पित होता है, और ऐसे समर्पित जो नारियल होता है उसका प्रसाद फोड़ करके ब्राह्मण फिर से देता है कि अब ये प्रसाद जिनों के भी पेट में जाएगा, जो भी इस प्रसाद को भाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करेंगे, तो जितना भी कना दाना पेट में जाता है तो मन की शुद्धि का वो एक आधार बनता है, मन की शुद्धि का सहारा बनता है, मन के अंदर प्रभु के प्रति की श्रद्धा का एक बीज बोता है, जो बीज फिर अंदर ही अंदर स्फुरित होता ही रहता है। तो इस प्रकार यह जो राखी के त्योहार पर नारियल पूर्णिमा बोली जाती है, उसका रहस्य आज तक न किसी ने किसी को समझाया, न कभी किसी को संकल्प चला, और यदि किसी को संकल्प चला विचार आया भी तो कभी भी किसी ने उसका यथोचित जवाब हमें नहीं दिया। और फिर ब्राह्मणों, जो ब्राह्मण है जनोई पहनते, वो जनोई अपनी वहां जाकर के बदली करते। क्यों बदली करते? क्योंकि ब्राह्मण माना ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाला, ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने वाला, जो ब्रह्मचर्य व्रत धारी होता है वही ब्राह्मण कहलाता है। और आजकल तो वह कर्मधारी ब्राह्मण और धारणा युक्त ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य व्रत वाले ब्राह्मण वह तो रहे नहीं सभी, परंतु नाम के जाति के ब्राह्मण जो कि जनोई पहनते, परंतु प्रति वर्ष उनको यह बदलना पड़ता। क्यों बदलना पड़ता? क्योंकि प्रभु आकर के प्रति वर्ष पवित्रता की प्रतिज्ञा जो बच्चे करते हैं, जो ब्रह्मचर्य व्रत को लेते हैं, उनको प्रति वर्ष स्मरण दिलाया जाता है कि ये राखी के त्योहार पर प्रण किया गया है बहन की रक्षा का और भाई की रक्षा का, तो आपस में एक दो की विषय विकारों से जो सच्ची सच्ची रक्षा करनी है, उसमें भी मुख्य काम विकार से, तो एक दो की रक्षा करें उस परमात्म संबंध को सिमरती में लाकर। इस प्रकार यह राखी का त्योहार मनाया जाता है, और फिर हाथ में राखी का सूत्र बांधा जाता है या फिर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। बाकी तो कहानियां बहुत ही हैं, जो कहानियां हम सत्संगों के अंदर अनेक अनेक गुरुओं के द्वारा सुनते हैं, शास्त्रों में भी पढ़ते रहे हैं, पढ़ते आए हैं, परंतु पढ़कर सुनकर और मनाना ही है तो हम उसे यथार्थ रीति से पहले जाने, जानकारी प्राप्त करने के पश्चात जीवन में हम जितना उसको धारण कर सकें उतना हम जीवन में धारण करके और चंद्रमा की कलाओं की तरह उन धारणाओं को हम आगे आगे उन्नति के पथ पर ले जाएं, और लक्ष्य रखें कि मुझे भी पूर्ण रूप से चंद्रमा जैसा इस अज्ञान की घोर अंधियारी रात्रि के अंदर मुझे चमकना है। भले तारे भी कई कई ऐसी महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, आदर्श आत्माएं टिमटिमाती हैं, लेकिन मुझे अपना व्यक्तित्व चंद्रमा की तरह पूर्ण रूप से विकसित करना है, और पूर्ण रूप से चमक करके मुझे स्वयं का नाम ऊंचा करना है, परिवार का नाम ऊंचा करना है, या फिर हम जिस भी क्षेत्र से जुड़े हैं हमें उस क्षेत्र में नाम ऊंचा करना है, और अपने जीवन को स्वच्छ शुद्ध और पवित्र बनाते हुए सकारात्मक सोचना बोलना और करने की प्रतिज्ञा को लेकर के और जीवन के अंदर
चलना है। तो आज आप सभी को रक्षाबंधन, राखी के त्योहार की, नारियल पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और आपके प्रति हमारी दिल से बहुत बहुत शुभ भावनाएं और मंगल कामनाएं स्वीकार हो। ओम शांति।